दोस्तों, अगर आप लोग बचाते हो अपने इंस्टाग्राम की सालों पुरानी स्टोरी को निकालना, तो अगर आप सोच रहे हो कि यार आपको जो है अपने एक साल पहले अपने स्टोरी क्या डाली, दो साल पहले अपने स्टोरी क्या डाली, आप उनको वापस देखना चाहते हो कि आपने क्या क्या स्टोरी पर अपलोड करा। दोस्तों कुछ टाइम ऐसा होता है कि दोस्तों अपनी कुछ मेमोरीज जो अपने इंस्टाग्राम पर हम डालते हैं वो ऑटोमेटिक जो हमारे इंस्टाग्राम सेव वगैरह कर लेता है। अगर हम 24 घंटे के लिए अपनी स्टोरी डालते हैं तो वो इंस्टाग्राम के वहाँ पर सेव हो जाती है और उनको वापस से जो डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, अपलोड वगैरह भी कर सकते हैं स्टोरीज पर। दोस्तों वो आप कैसे वगैरह करोगे, दोस्तों आज स्टोरी आपको पूरा एंड तक देखना। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो यहाँ पर दोस्तों अपनी पुरानी स्टोरी को डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो और गैलरी के अंदर सेव भी कर सकते, और साथ ही साथ में आप वापस स्टोरी पर अपलोड वगैरह इजीली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आज शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी आईडी लॉगिन वगैरह कर लेना, जिस आईडी से आपको स्टोरी वगैरह निकालना है वो आईडी लॉगिन वगैरह कर लेना। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर लिया। और दोस्तों अगर आपने मुझे फॉलो वगैरह अभी तक नहीं करा सिंपली फॉलो वगैरह कर लेना। मेरा दोस्तों यूजर नेम है मिस्टर ऋषि 2627। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्दी अपने जो 500 फॉलोवर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो अगर आपने फॉलो नहीं करा तो सिंपली फॉलो वगैरह इजीली कर लेना। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगा, सेटिंग के दोस्तों मिलेगा आपको अचीव, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने 24 घंटे के लिए स्टोरी अपलोड करी तो ही स्टोरी यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपने 5 घंटे अपलोड करी और डिलीट कर दी 5 घंटे बाद, तो यहाँ पर आपकी स्टोरी नहीं आएगी। यहाँ पर आपकी स्टोरी जो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। आप वहाँ पर डिलीट करोगे यहाँ पर भी आपकी स्टोरी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। आपको 24 घंटे की स्टोरी अपलोड होगी, सारी स्टोरी यहाँ पर आ जाएगी, चाहे वो 1 महीने पुरानी, चाहे 2 महीने पुरानी, कितनी भी पुरानी, से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर कंडीशन एक है कि 24 घंटे तक की स्टोरी अपलोड होना चाहिए अपने इंस्टाग्राम पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अपना स्क्रॉल करूँगा ऊपर, दोस्तों बहुत सारी स्टोरी मेरे यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ सबसे ऊपर। तो जब से मेरा अकाउंट मैंने बनाया तब से लेकर जो स्टोरी मैंने अपलोड होगा कर, सारी स्टोरी यहाँ पर दिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेरे पास 25 मार्च से मैंने अपना अकाउंट बनाया, तो 25 मार्च से लेकर आज तक की जितनी स्टोरी मैंने अपलोड वगैरह करी 24 आवर्स तक के लिए स्टोरी अपलोड वगैरह थी, सारी स्टोरी यहाँ पर जो मेरी टोटली अपलोड है, यहाँ पर एक भी स्टोरी यहाँ पर डिलीट वगैरह नहीं है। अगर आप 24 घंटे से कम अपलोड करते हो, डिलीट करते हो, तो बीच में यहाँ पर आपकी स्टोरी यहाँ पर आ नहीं पाएगी। यहाँ पर देखिए एग्जांपल के दोस्तों, यहाँ पर लिखे 23 अप्रैल के, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, दोस्तों आप इस विषय को शेयर भी कर सकते हो, हाईलाइट पे भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर आप किसी को भी जो सेंड वगैरह कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर शेयर बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी स्टोरी जो रहेगी अपने वापस से स्टोरी के ऊपर आ जाएगी। जैसे कि अभी जो स्टोरी बहुत पुरानी है तो वापस से ऑटोमेटिक जो रहेगा आज की तारीख में स्टोरी डालने का आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों आपको चैनल मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों कुछ टाइम ले रहा है, लोडिंग वगैरह हो रहा है, नेटवर्क के कारण हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप जो स्टोरी को वापस से ही अपलोड कर सकते हो, और वहाँ पर आपको जो एक मेमोरी आ जाएगी, मेमोरी और डेट वेट लिखी कि आपने ये स्टोरी जो कब अपलोड वगैरह करी थी अपने इंस्टाग्राम पर, 1 साल पहले, 2 साल पहले, कभी भी अपलोड करी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले सकता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है लोडिंग वगैरह लेता है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा वापस से आ चुका है। यहाँ पर देखिए ऊपर मेरा नाम भी लिखा मिस्टर ऋषि 2627, और दोस्तों यहाँ पर तारीख भी आ चुकी है कि मैंने ये स्टोरी किस तारीख को जो मैंने अपलोड करी। यहाँ पर देखिए 23 अप्रैल 2021 लिखा, तो मतलब 1 साल मेरा अप्रॉक्स हो चुका है। 1 साल पुरानी स्टोरी मैं वापस अपलोड वगैरह कर सकता हूँ अपनी आज की डेट में इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर। तो यहाँ इसको आप अपलोड वगैरह भी कर सकते हो, इसको आप गैलरी के अंदर सेव भी कर सकते हो। यहाँ पर आप सिंपली बटन पर क्लिक करो, डाउनलोड सेव वाला बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी ये स्टोरी जो गैलरी के अंदर सेव वगैरह भी हो जाएगी। फिलहाल मुझे दोनों कुछ नहीं करना, सेव भी नहीं करना और स्टोरी को अपलोड वगैरह भी नहीं करना। दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली इसको हाईलाइट में ऐड भी कर सकते हैं। आप जैसे हाईलाइट में क्लिक करोगे यहाँ पर, दोस्तों आप कौन से हाईलाइट में ऐड वगैरह करना है, आपने अगर पुरानी हाईलाइट क्रिएट वगैरह कर रही है, सिंपली उसको टैप करके उसको ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पर आप न्यू हाईलाइट को भी क्रिएट वगैरह कर सकते हो, उसको कुछ अलग से नाम भी दे सकते हो। तो मुझे भी हाईलाइट में ऐड वगैरह नहीं करना है, तो फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ पर, मुझे इसको हाईलाइट में ऐड वगैरह नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर आप सारी की सारी जितनी स्टोरी आपने डाल ली हो सारी मिल जाएगी। देखिए मेरे पास बहुत सारी स्टोरी मैंने डाल चुका हूँ, 1 से 1.5 साल मेरे अकाउंट को ज़्यादा बनाया हुआ, ज़्यादा मेरा अकाउंट पुराना नहीं, मेरा अकाउंट था सस्पेंड वगैरह हो चुका था, तो मैंने नया अकाउंट बनाया था। तो सारी स्टोरी यहाँ पर जितनी मैंने डाली सारी सारी मेरे यहाँ पर स्टोरी वगैरह मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने इंस्टाग्राम की पुरानी स्टोरी को आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, गैलरी में सेव कर सकते हो, वापस डाल सकते हो इसके अंदर, और किसी को शेयर वगैरह भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल बनाते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले, तो जय वंदे मातरम।